बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत में खेत में गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी आपको बता दें, पूरा मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। इसी बीच बड़ी खबर, बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र में किसान की गोलियों से भूनकर हत्या की गई है। हत्या को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये थाना चांदीनगर के चमरावल गांव की घटना है, जहां पर रामवीर त्यागी नाम की व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, उनकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया गया है, भेजा गया है। मृतक के परिजन के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें कि उनके गांव के कुंबे के ही रवि त्यागी के तीन पुत्रों को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही जो नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर एवं जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्यवाही है सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या नाम है जी? प्रदीप त्यागी। त्यागी जी, ये क्या हुआ, घटनाक्रम जो हुआ? ये अभी थे लगभग होंगे 2:45 के बाद, तो फोन आया था मेरे पे कि जी वहाँ पे जो गोली मार दी किसी अज्ञात आदमी ना, अज्ञात ही आदमी मतलब किसी बाहर के आदमी के। 2 मिनट पीछे फिर फोन आया कि जी वो तो भैया रामवीर हैं, उनका गोली मार दी। वहाँ गया तो उनके 4-5 गोली सिर में लगी हुई थी और वो ख़त्म ही थे वहीं पर। अच्छा, कौन लोग थे ये पता नहीं? ना ना, ये नहीं जानकारी। ठीक।